फोर्ड एवरेस्ट का ना आप ये बेस वेरिएंट लगा सकते हो। एक तो इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है जो कि पर्टिकुलर ये खड़ा हुआ है, एक ट्रेंड आता है और एक टाइटेनियम प्लस वेरिएंट आता है। ये तीनों वेरिएंट्स के अंदर में आप लोग को 4x2 ही मिलेगा और 6-speed गेयरबॉक्स जो है इन गाड़ियों के अंदर में आएगा। तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि स्पोर्ट वेरियंट में आप लोगों को कौन कौन से फीचर्स जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। जिसका बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है ना वो 52 लाख रुपये कॉस्ट करते हैं। वैसे इंडिया में जैसे आप देखोगे जो टोयोटा की फॉर्चूनर आती है वो GR स्पोर्ट में 59 लाख रुपीज़ कॉस्ट करती है। उसके अंदर में फीचर्स भी जो हैं इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। आज की वीडियो में पूरा इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप इसके और भी वेरिएंट्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे आप इस गाड़ी की हेडलाइट देखोगे ना वो भाई यहाँ पे ना प्रोजेक्टर LED वाली नहीं मिलती है। ये मिलती तो LED है बट ये रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलाइट्स हैं जो ऊपर वाले वेरियंट्स आते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ पर आता है। और जैसे इसकी इंडिकेटर देखोगे ना तो वो यहाँ पर हेलोजन बल्ब के साथ में दिया हुआ है। DRL जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा और आगे तरफ में कैमरा विद वॉशर जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाता है। इसके अंदर में ना एडास भी आप लोग को मिल जाता है, पार्किंग सेंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे की तरफ में रडार लगा हुआ है और ऊपर की तरफ में इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे कैमरा फिट किया हुआ है। जैसे आप ये स्पोर्ट्स देख रहे हो ना, कलर के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है इस गाड़ी के अंदर में कर रखा है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया से लग रहा है। दोनों ORVM के नीचे भी क्या है आप लोग को यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी और एक ही इंजन ऑप्शन इसके अंदर में आएगा, 2 लीटर का डीजल इंजन। इस गाड़ी के जैसे आप अलॉय व्हील्स देखोगे तो ये ऑल ब्लैक कलर के अंदर में यहाँ पे किए हुए हैं और ये गुडियर के टायर हैं, हाईवे टायर हैं इसके अंदर बेसिकली फिट कर रखे हैं। 255/55R 20 इंच का जो है गाड़ी के अंदर में टायर सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स की बैजिंग यहाँ पे दे रखी है। ORVM डोर हैंडल और रूफ रेल्स पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर में कर रखी है। गाड़ी के अंदर में कहीं भी क्रोम वगैरह का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जो अपने पहले इंडिवर आती थी इंडिया के अंदर में उसके अंदर में भी स्पोर्ट आप लोगों को मिल जाता था, ऑल ब्लैक कलर के अंदर में आती थी, वो भी देखने बहुत जाम फाड़ लगती थी। और जो ये है ना ये तो भाई यूँ लगा लो बहुत ही ज़्यादा शानदार सी जो है ये गाड़ी लगती है। बैक प्रोफाइल में जैसे देखोगे तो यहाँ पे डिफोगर, वाइपर, हाई मोमेंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, ये सारी चीज़ें दे रखी है भाई गाड़ी के अंदर में। LED में टेल लैंप्स भी जो हैं आप लोग को यहाँ पे मिल जाती हैं। पीछे की तरफ में 4 पार्किंग सेंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं और जो कैमरा है वो भी इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। पीछे की तरफ में जो फोर्ड का लोगो है ना वो बिल्कुल छोटा सा है पर आगे की तरफ में जो फोर्ड का लोगो दे रखा है ना इतना बड़ा जो है फोर्ड का लोगो वहाँ पर दिया गया है। स्पेयर व्हील जो है यहाँ नीचे की तरफ में दे रखे हैं और ये भाई अलॉय व्हील नहीं दे रखा भाई इसके अंदर में, और ब्रिजस्टोन का टायर दे रखे हैं। सेक्शन भी मेरे ख्याल से घट गया यार, 255/70R 17 इंच का दे रखा है, सेक्शन भी जो है यहाँ पे घट गया। पर जैसे जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स मैंने अपने वीडियोस में दिखा रखे हैं उनके अंदर में क्या है जो सेक्शन है बिल्कुल सेम मिलता है और अलॉय व्हील जो है उसके अंदर मिल जाता है। चलो इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। सेकंड रो की जो सीट है 50-50 स्प्लिट सीटें मिलती है। पीछे की तरफ में हेलोजन बल्ब के साथ में बूट लैंप भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो सीट्स हैं अब पहले आपने देखी होगी कि वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाली आती थी पर यहाँ पर अब क्या है ये मैनुअल ऑपरेटेड ही जो है इनके अंदर में आप लोगों को सीट मिलेगी। पीछे की तरफ में एक 12 वोल्ट का शॉक किट भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा और सबवूफर भी भाई इसके अंदर में यार पता नहीं चल रहा सबवूफर है क्या नहीं है। और यहाँ पे देखोगे जो इसकी फ्यूल लिड है वो यहाँ लेफ्ट साइड में दे रखी है जो कि ऐसे बाहर से दबाने से ओपन हो जाती है। एक चीज़ मिसिंग है यहाँ डेफ डालने के लिए वो इसके अंदर नहीं दिया हुआ पर इंडिया के अंदर में आएगी तो वो चीज़ तो भाई आप लोग को ज़रूर मिलेगी। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं आप लोग को फोर्ड एवरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर में मिल जाती है। ये देखो ये वाला पार्ट वही सॉफ्ट में है, ये भी सॉफ्ट में मिल जाता है, बाकी नीचे की तरफ में हार्ड ही आप लोग को मिलेगा। डोर हैंडल्स वही मस्त स्टाइल के दे रखे हैं, 4 पावर विंडो के जो है स्विचेस दे रखे हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट भी जो है आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर मिल जाएगी। लेदर की ही सीट अपहोल्स्ट्री है, स्पोर्ट की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। और भाई देखो सनरूफ अब यहाँ से कट चुके हैं जो कि आपने पहले वाले वेरियंट्स के अंदर टॉप एंड वेरियंट्स के अंदर में देखे होगी। स्कफ प्लेट जो है इसके अंदर में से यहाँ से कट चुकी है। यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे सारे जो है आपको लाइट से कंट्रोल मिल जाएंगे और ये इसकी डिग्गी को खोलने के लिए बेसिकली दिया हुआ है और ये इसके लाइट लेवलिंग के लिए दिया हुआ है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच इसके अंदर में भी है। ग्लास होल्डर भी जो है आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। स्टेयरिंग व्हील जो है लेदर रैप का इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है और इसके अंदर में एडजस्टमेंट और देखते हैं भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है। क्रूज़ कंट्रोल एडास के लिए भी जो है यहाँ पे मिल जाता है और ये इसकी MID के लिए बेसिकली कंट्रोल दिया गया है। और पूरी डिजिटल में डिस्प्ले आप लोग को यहाँ पे मिलती है। TPMS वगैरह भी जो है आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल में ना ये
मतलब वो जो शिपमेंट मोड होते हैं ना वो इसके अंदर लगा रखा है, तो जो बटन्स हैं यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ये म्यूजिक सिस्टम वाली चीज़ है ना, उसके बटन्स तो जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसका गियर नॉब देखने में आप लोग को डिफरेंट मिलेगा, जैसे कि 10 स्पीड गियर बॉक्स वाले में आता है ना, उससे अलग है यहाँ पे। और टच स्क्रीन तो भाई इसकी अच्छी बड़ी सी यहाँ पे मिल जाती है। बैक कैमरे की क्लैरिटी और देखते हैं अब यार, गाड़ी का बैक गियर डलेगा, मतलब इन्होंने ना बैटरी का अलग कनेक्शन करके जो है ये इसके एक्सेसरीज ऑन कर रखी है, वरना तो बैक गियर भी डल जाता है। और मैनुअल मोड भी जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। इसके अंदर में भी ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जाहिर सी बात आप लोग को मिल जाएगा। और टच रिस्पॉन्स भी भाई यूँ है अच्छा से यहाँ पे मिल जाता है। अच्छी गर्म हो रही है भाई स्क्रीन तो, ये कई देर से ऑन पड़ी है ना, इस वजह से गर्म हो रही है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, और 4x4 का सीन जो यहाँ पे नहीं मिलता, पर जो मोड्स है ना वो यहाँ पे जरूर मिल जाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल का और ये फ्रंट पार्किंग सेंसर की दे रखा है, पर पैरेलल पार्किंग का इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं आएगा। वायरलेस चार्जिंग इस वाले वेरिएंट के अंदर में यहाँ पे तो दी हुई है। आर्मरेस्ट के अंदर में वही 12 वोल्ट का शॉक किट आप लोग को मिलता है, और अच्छा बड़ा सा आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। हार्ड है यहाँ पे भाई, वही है लेदर का आप लोग को यहाँ पे यूज़ मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ में भी ग्लोव बॉक्स है, और नीचे की तरफ में भी यहाँ पे ग्लोव बॉक्स है, इल्यूमिनेटेड आते हैं। ऑटोनेट IRVM है, USB है अपने जैसे कोई डैश कैम वगैरह लगाना चाहते हैं तो। और जिसकी रूफ है ना भाई वो ऑल ब्लैक कलर के अंदर दे रखी है, वो नॉर्मल जो आती है वही रूफ इसके अंदर दे रखी है। सनग्लास होल्डर में यहाँ पे मिल जाता है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर लैंप दोनों चीज़ें हैं, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी मिरर और लैंप दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। विजिबिलिटी जो है गाड़ी के अंदर में से बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। कमांडिंग पोजीशन अच्छा बड़ा बड़ा से जो है गाड़ी के अंदर बोनेट दिखता है। सीटों की चौड़ाई हो, अंडर थाई सपोर्ट और सब कुछ एक नंबर का है। और साइड विंडोज से भी भाई अच्छा व्यू आ रहा है, वो व्यू मत देखना, मैं इसका व्यू की बात कर रहा हूँ भाई। और जो मिरर्स हैं वो भी गाड़ी के अंदर में से अच्छे बड़े बड़े से मिल जाते हैं। सेकंड रो में देखते हैं भाई क्या इन्होंने यहाँ पे कटौती कर दी है। डोर के अंदर में कोई भी कटौती नहीं कर रखी है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। लॉक अनलॉक के लिए ट्विटर स्पीकर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पे देखोगे तो आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि 2 ग्लास होल्डर के साथ में यहाँ पे आ जाता है। थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए टम्बल फोल्ड जो है ये सीट यहाँ पे नहीं होती है। और ये देखो पीछे की तरफ में एयर के वेंट्स भी एयर फ्लो के लिए यहाँ पे दे रखे हैं। एक जो चार्जिंग लिए शॉक किट सा था ना पूरा यहाँ पे, वो यहाँ पे कट चुका है, बाकी USB और एक सी टाइप है। एयर के वेंट यहाँ ऊपर की तरफ में आप लोग को मिलते हैं। और पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर्स देखने में, जो गाड़ी के अंदर में नी रूम है और जो लेग रूम है वो तो डेफिनेटली अच्छे ही मिलते हैं। और फर्स्ट रो के मुकाबले सेकंड रो की जो सीट्स है ना वो थोड़ी सी ऊपर पोजीशन में है। जो ये गाड़ी है ना 2 लीटर का इंजन है, 170 bhp और 405 nm का टॉर्क जो है आप लोग को निकाल के देगी। आपने जो स्कॉर्पियो आए थे 2.2 लीटर का इंजन है, उसके अंदर में भी 170 bhp ही है, और उसके अंदर में है 420 nm का टॉर्क। तो देख लो आप थोड़ा सा कंपेयर करके आप लोग को पता चल जाएगा। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।